भागवत जी, 1984 के दंगों की पीड़ा हर किसी ने हर मंच पे उठाई, लोकसभा में उठाई, बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया। उन 80 के दशक में पंजाब में बहुत जोरों से टेररिज्म रहा और उसमें बहुत से लोग निर्दोष मरे, उसका दर्द आज तक किसी ने उठाया। भाजपा ने भी उसे कभी कोई किसी मंच पर उसको उठाने की कोशिश नहीं। अब गोल्डन टेम्पल में जो उसके लिए जिम्मेवार जो लोग थे उनकी तस्वीरें लगती हैं, भाजपा से कुछ नहीं बोलती। आप देखिए, उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। देखिए, वो दंगे जब हुए तब सारे भारत में संघ ने बीच बचाव करके आपस में झगड़ा न हो, हुआ है तो जो झेल रहे हैं उनको राहत पहुंचे, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए काम किया है भागवत। तो ये झगड़ा न होने की भावना जानी चाहिए। दंगे हुए हैं तो दंगाइयों की मार जिन पर पड़ी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये सारी बातें हम करते हैं। बाकी सारे सवाल जिस मंच पर चर्चा उसकी हो रही वहाँ हो जाए। सवाल ये था कि जो हिंदुओं को मारने में रिस्पॉन्सिबल रहे भिंडरावाला और उनकी गोल्डन टेम्पल में, हम किसी हिंसा का किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। बीजेपी ने चीज का विरोध आज तक, तो बीजेपी को पूछे। मैंने अपने लिए बोल दिया, संघ के लिए मैंने बोल दिया, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हमारे संविधान में हिंसा पर विश्वास रखने वाला संघ का संक्षोभ नहीं हो सकता, ये हमारे संविधान में। भगवत जी, मैं आ देते हूँ सीएनईबी से। आपने कहा कि आरएसएस का लक्ष्य है राम मंदिर का निर्माण करना, कानून और संविधान से आप ऊपर होकर नहीं चलेंगे आपने कहा, लेकिन क्या आपको लगता है किसी सरकार के सहयोग के बिना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है? और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, आपने कहा कि आरएसएस को जो स्वयं सेवक है वो बीजेपी के अलावा भी उस दल में जा सकता है जो राष्ट्रहित की बात करता है, सोचता है। आपको लगता है वर्तमान परिदृश्य में देश में कोई दल ऐसा है और बीजेपी के अलावा जो उस तरह का है जो आपके मापदंडों पर खरा उतरता है? राम मंदिर बनाना लक्ष्य, संघ का लक्ष्य संपूर्ण हिंदू समाज संगठन करना है। राम मंदिर का आंदोलन हुआ है देश में, उसमें संघ सहयोगी है और रहेगा, और सरकार के सहयोग से बनेगा या कोर्ट के निर्णय से बनेगा या हृदय परिवर्तन से बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा तीनों में समाज में एक वातावरण खड़ा होगा तब ये तीनों में से कोई बात होगी या तीनों बातें होंगी, तो आखिर समाज जागृति यही उसका जरिया रहेगा। वो करता है आंदोलन, उसमें हम सहयोग। फिर दूसरी बात है कि मुझे कौन सा दल अच्छा लगता है, नहीं, ये स्वयं से ओके व्यक्तिगत सोचने की बात है कि और कोई दल ऐसा है क्या। लगता है तो संयोग जा सकता है और कई दलों में ऐसे संयोग है, ये मैं बता सकता हूँ। टाइगर नरेंद्र आपने नाम सुना है, अनरवि सुना है ना, जरा पता कीजिए किस दल में वो है। पहले बीजेपी में, अब नहीं, लेकिन वो हमारे द्वितीय वर्ष शिक्षित संसद और वो भी बताते हैं मंच पर। मैं प्रभात शाखा में वाराणसी में एक जगह गया था तो वाराणसी नगर व्यापारी मंडल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे उस शाखा के घटनायक थे। आगरा में महाशिविर हुआ था, उस महाशिविर में कई बीएसपी के जिला लेवल के कार्यकर्ता भी पूर्ण गणवेश में शिविर में संसद इतना थे सहभागी थे। तो इसकी हम गिनती नहीं करते कौन कितने पार्टी के हैं, कौन कितने जाति के हैं, ये सब हम गिनते नहीं। हम सबको संयोग मानते हैं, हिंदू मानते हैं, ऐसी ही हम गिनती करते हैं। इसलिए हम डाटा तैयार नहीं रखते, लेकिन जगह जगह ऐसे सब लोग मिलते हैं। दो आखिरी सवाल एक उस तरफ से और एक। हेलो, आई एम नंद कुमार फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। डिस्पाइट 85 ईयर्स ऑफ वर्किंग एंड ओवर 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिजर्वेशन, दैट कास्ट फीलिंग इट इज गेटिंग ओनली स्ट्रेंथेंड। संघ फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बी रिकग्नाइज कास्ट इन इट्स वर्किंग मेथोडोलॉजी एंड इट इज वर्किंग इन दैट वे। ऑन अदर लेवल ड्यू टू पॉलिटिक्स इट कास्ट फीलिंग इट क्रॉप्स अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज राइट, बट एट टाइम विल कम वेन दैट ऑल्सो विल गो। संघ विदाउट रिकग्नाइजिंग कास्ट is going for consolidating the society on a different basis as the sons of Bharat Mata.
एंड इट इज ऑब्टेनिंग क्वाइट ए डिग्री ऑफ सक्सेस इन दैट वर्क. वी बिलीव दैट इट विल टेक सम टाइम. इट इज वेरी क्रॉनिक इवेंट, सो इट विल टेक सम टाइम. बट संगमेथेनोलॉजी सो फार हैज बीन सक्सेसफुल टू टोटली इरेडिकेट फ्रॉम माइंड दिस फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो वी फील दैट वंस दैट गोल इज अचीव देन कास्ट विल डिसअपियर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. अनलेस दैट गोल इज अचीव इट विल नॉट डिस. What is your view on reservation? Reservation, should it? Where there was social discrimination, till the effect of that discrimination is nullified, that reservation is necessary. But it should be a time-bound program given in the hands of a non-political body. Because of politics, eradication of that discrimination is far away. And reservation is used for political purposes. There should come a time whenever there will be no necessity of any reservation. That should be the goal of that non-political committee, and it should exercise its powers. All powers should be given to it, and they should exercise the reservation in such a manner that such type of necessity should not arise in society in the future. That is the work.